हेलो एवरीवन, आज है कृषिका का बर्थडे और हम सब एक डेस्टिनेशन की तरफ निकल चुके थे बट नहीं पता था कहाँ, बिकॉज इट वाज केप्ट सीक्रेट एंड सरप्राइज फ्रॉम माय डैड। कार में चढ़ते ही कृषिका सो गई थी। हम लोग सुबह सुबह निकल चुके थे इसीलिए हमें बहुत भूख लग गई थी, बट यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट अवेलेबल नहीं था, तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा शॉप दिखा जहाँ बिल्कुल होम कुक खाना मिल रहा था और बिल्कुल फ्रेश। सो वी डिसाइडेड कि चलो आज का ब्रेकफास्ट यहीं पे किया जाए। ऑलमोस्ट 3 to 4 hours हो चुका था बट स्टिल हम अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचे थे एंड वी वर स्टिल क्लूलेस कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ कार में सभी सोने लगे थे और यहाँ कीजी सोकर उठ चुकी थी ऑलरेडी सेकेंड टाइम। सो फाइनली आफ्टर ट्रैवलिंग 6 to 7 hours हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे एंड दैट वाज सोनार बांग्ला इन टाकी, जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर में सिचुएटेड है। सो यहाँ हमने चेक इन कर लिया था एंड देन इलेक्ट्रिक कार से वी वर हेडिंग टुवर्ड्स आवर विला। आई स्वेयर आप ये पूरा वीडियो देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज द सीनरीज हियर इज मेस्मराइजिंग विद सच कामिंग एनवायरनमेंट। सो दिस इज़ आवर डुप्लेक्स विला और आज हम करने वाले हैं 12 AM सेलिब्रेशन फॉर कृषिकाज बर्थडे। सो दिस इज़ द इंटीरियर व्यू ऑफ द डुप्लेक्स विला जहाँ पे साइड में एक रूम था। एंड दिस इज़ द वॉशरूम। और स्टेयर्स के ऊपर भी एक रूम था विच आई एम गोना शो यू। इतना लंबा जर्नी करने के बाद भी कृषिका वाज सो एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड। So this is the back view of the villa. ऊपर वाले रूम से there was a balcony जिसका view I'm gonna show you right now. This is so beautiful, so beautiful. So the best part of this Sonar Bangla location is that it is located on the bank of Ichhamati River and the river is the border between Bangladesh and India. So आप जो river के उस side देख सकते हो वो है Bangladesh and this side is of course India. So room से निकलने के बाद we were heading towards park just because Krishika wanted to enjoy herself in park and the weather was also so pleasant.
सो ये त्रिशिका स्लाइड करने से पहले शी वॉज फीलिंग लिटिल हेजिटेटिंग बट लेटर ऑन शी ग्रैब्ड ऑल द करेज इन हर हार्ट एंड वो स्लाइड की फाइनली. एक बार स्लाइड करने के बाद सी लॉस्ट हर फियर एंड शी बिकेम मोर कॉन्फिडेंट सो शी वॉन्टेड टू ट्राई अगेन एंड अगेन. अब हम लोग आ गए थे यहाँ पे लंच करने और यहाँ पे कृषिका एंजॉय कर रही थी झूरी आलू भाजा जो कि उसको बहुत पसंद है. आफ्टर लंच हम चले गए थे टू वाइव द रिवर साइड. The lush green surroundings and the refreshing sound of the river flowing was so, so soothing. And here comes my dad with Titanic pose. এটা দিয়ে যাচ্ছে পিছনে ইচ্ছামতি নদী চলে যাচ্ছে না বিদ্যাধরী বলে পাই যে যেন দিয়ে যাচ্ছে.
বর্ডারটা কি করে বুঝছে এটা বাংলাদেশ ये है बांग्लादेशी फिशरमैन। एज आई टोल्ड यू दिस इच्छामती रिवर इज अ बॉर्डर एज वेल। ये वीडियो काफी लंबा हो गया था, सो आई डिसाइडेड टू पुट दिस वीडियो इनटू टू पार्ट्स एंड द सेकंड पार्ट इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग, जहां आपको देखने के लिए मिलेगा किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन एंड द साइड व्यूज ऑफ ताकी। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट। ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।